बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, हमारी दुआ होती है। देश परदेश से जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी हम भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। आज का हमने प्यारा सा ब्लॉग शुरू किया अल्लाह ताला का प्यारा सा नाम लेकर। तो जी अम्मी भी आज हमारे ब्लॉग में शामिल है, आज अम्मी भी आ रही है सुबह से मेरे घर में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फातिमा खुद गई थी जी नानी को सिटी से लेकर आई है। फातिमा कुछ सौदा वगैरह लेना था, फातिमा सौदा लेकर आई है। अहमद भी साथ था तो फिर नानी भी साथ आ गई, लेके आए नानी को दोपहर के टाइम में। काफ़ी टाइम से अम्मी जी यहाँ पर मौजूद है हमारे घर में ही, शाम को अपने घर चली जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अम्मी जी हम अम्मी के लिए खाना वगैरह बना रहे हैं, रात का खाना। वीडियो के साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया आप सबका। जो भी न्यू भाई बहन भाई चैनल पर आते हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। फाता मोहम्मद से निकलाओ, मैं खाने की तैयारी करूँ। सौदा प्यारी बहन भैया मैंने उठा लिया है। खाना बना रहे हैं जी, आज हम बना रहे हैं मुर्गी वाले चावल। ये देखें चिकन पुलाव बना रहे हैं। सबसे पहले तो जी चावलों को धो लेते हैं। पापा आप चूल्हा जला लियो जी, ये पकड़ो चापर। प्यारे बहन भाई चावल डाल लेते हैं। चावल माशाल्लाह ये साफ ही हैं, देखने से ही पता चल रहा है, वैसे फिर भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। साफ है माशाल्लाह, चावल हमारे बिल्कुल साफ है। पानी डाल के चावल धो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तनों में बेटा वो अभी तबीयत उसकी ठीक नहीं हुई बेटा, अम्मी को पिलाओ। अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है मेरी जान, ऐसे ना करो, जुल्म है ये। हाँ वो रखा है। मैं छोटी चौकी उठा दे ना मुझे ना भी आपका सब। आज मैं बनाऊंगी मैं खाना मैं खुद बनाऊंगी। आपने आज बहुत बात की, आज आप नहीं। अम्मी ये जिद क्या है, ये किस चीज का जिद है बेटा, बुरी बात होती है। तंग नहीं करते मामा को। जिद कर रही हूँ, आपने कुछ नहीं करना। फातिमा इसमें रेत है, मिट्टी है, खंगाल के लाओ। जाओ इसको खंगाल के लाओ, ऐसे बस छोटे छोटे काम करवाती रहो, बाकी मैं खुद करूंगी। जल्दी जल्दी आप इसको छोड़ दो और वो खंगाल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है महविश, जैक बाबा सील से है वो, तो हमारी सब्सक्राइबर है। वो कह रही थी ऐशा बाजी आप हमारा नाम लेना वीडियो में, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं आपका नाम ले रही हूँ तो आप वो खुशी होती है। और नाम उनका भी महविश है, तो वो कह रही थी मेरा जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया, मैंने न्यू मोबाइल लिया उससे भी आपको सब्सक्राइब किया है। तो जी बहुत शुक्रिया महविश, आप एक और महविश बहन है, एक तो जैकबाबाद से हैं सिंध से, और एक आप हैं। आपने ये नहीं बताया कि आप किस जगह से हैं, बस आपने इतना मुझे बताया कि आपने ना एक और मोबाइल से भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया। और एक और सिस्टर है, उनका नाम है मायरा, वो कह रही है कि मेरा नाम लो अपने व्लॉग में, तो मैं आपका भी नाम ले रही हूँ। वो कह रही है फातिमा को भी कई दफ़ा कहा है मेरा नाम लिया करें अपने व्लॉग में। मैंने नहीं देखा जी। हाँ जी, तो जी मायरा आप भी बहुत खुश रहे जी, आपके लिए भी हमारी ढेरों सारी दुआएं हैं। तो एक और भी मेरी सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे का नाम लेना, उनका जी हमारे से मैसेज कहीं गुम हो गया है। तो मैं वो बड़ी कोशिश कर रही थी ढूंढने की, उसके बेटे का नाम मुझे सही याद नहीं है, पत्नी हुसैन नाम है, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। तो अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे
ली है तो उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं उन्हीं का बता रही हूँ, नाम ले रही हूँ ना, तो वो मुझे अपने बेटे का नाम बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं नाम ज़रूर लूँगी उनके बेटे का, हमारे बच्चों जैसे हैं सारे बच्चे। तो जी मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे भी हमारे ब्लॉग देखते हैं जी, प्यारे प्यारे बच्चे, उनके लिए हम ढेरों सारी दुआएँ करते हैं। तो जी बहुत खुश रहें हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, एक और मेरी सिस्टर हैं किरण, और उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि उनका अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए, उन्होंने दुआ के लिए कहा था। तो जी अम्मी भी उनके लिए दुआ करती हैं उनका अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, क्यों अम्मी जान? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी जगह पर उसका रिश्ता होगा, हम भी दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हर बेटी के मुकद्दर प्यारे करे, कोई भी बेटी अपने घर में जाकर परेशान ना हो, अल्लाह ताला बहुत बहुत खुशियाँ नसीब करे हर बेटी को, और इज्जत दे, सलामती दे, खुशियाँ दे। तो जी बहुत दुआएं करते हैं हम, क्योंकि हम खुद भी बेटियों वाले हैं तो हमें पता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे पता है अल्लाह ताला जब परेशानी देता है ना, तो फिर माँ बाप को जो होता है ना, फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो जी अल्लाह ताला सबकी बेटियों को ढेरों सारी खुशियाँ दे, कोई परेशानी ना दे। तो मेरा अपना घर नहीं है, तो आप सबको भी मैं यही कहती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे, इसी गांव में दे, ऐसे ही दे प्यारा सा घर दे, आमीन। प्यारे बहन भैया जी, मैंने चिकन जो है वो धो लिया है, अब मोहम्मद सही को नहला लेती है, मोहम्मद सही ने सारे कपड़े गंदे नहला लें, नहला लें आपको देख लें, फिर आगे गुस्से भी होता है और फिर बातें भी सुनाता है हमें, और हमें समझ नहीं आती क्या क्या रहा है। प्यारे घर मैंने मोहम्मद सिंह को नहला दिया है, और लड़का कहता था बिल्कुल मुझे बाइक ना लो और मुझे नहाने दो, सारी रात भी बंदा नहाता रहे, थकेगा नहीं। नमक तो ला के दो जल्दी करो, नमक लेटो मैं आपको पहनाऊँ, बेटा लेटो मैं आपको पैंपर दूंगा, इधर लेटो अहमद, पेपर कहाँ रखा बुला था, मतलब बाइक मैंने रखा था नीचे। प्यारे बहन भाइयों, मोहम्मद सिंह को जी नहला के मैंने कपड़े वगैरह जो है पहना दिए हैं। हमारी एक सिस्टर हैं समीना जी, विलेज व्लॉग है उनके चैनल का नाम, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि आयशा बाजी आप ना अपने चैनल में मेरे चैनल का नाम ले लें, अल्लाह ताला आपको साजा देगा। तो वो बहन बहुत ज़्यादा गरीब है, कपड़े सिलाई करती है, मेहनत करती है, तो जी मेरे दिल ने कहा कि मैं उसको सपोर्ट करूँ। मदद करने वाला तो अल्लाह पाक होता है, हम नहीं होते, हम इंसान तो एक ज़रिया बनते हैं सिर्फ और सिर्फ, मदद करने वाला मेरा अल्लाह पाक होता है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं किसी की मदद करो, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। तो हम लोग गुनाहगार बंदे अगर हम किसी की मदद कर लेते हैं अल्लाह ताला की खातिर, तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जी प्यारी सी बहन को जाकर सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को वॉच करें, और बहुत अरसे से ये मेहनत कर रही हैं, कामयाबी नहीं मिल रही इनको, आप सब की वजह से ही कामयाबी मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी बहन के समीना के चैनल पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो देखें। अब जी चल कर मैं अपने चावलों को देखती हूँ कि हमारा खाना कहाँ तक पहुँच जाए। प्यारे बहन भाइयों, अभी नहला कर आई हूँ और ये हाल कर दिया, दिन में पतली कितनी दफ़ा मैं मोहम्मद सही के कपड़े चेंज कराती हूँ, ये सारा मट्टी मट्टी होकर अंदर आ जाता है, बिस्तर गंदे करता है सारा, मैं क्या करूँ, ये बच्चा बहुत ख़राब होता जा रहा है, जिद्दी बनता जा रहा है, और अहमद इसके हाथ मिला आ गई इतना, इसको अम्मी के पकड़ा, अम्मी आप आगे आ जाओ, इस चरपाई के आ जाओ, इसको बिल्कुल ना नीचे उतरने दो, अम्मी हद कर दी इस लड़के ने, परेशान कर दिया है, माशाल्लाह मम्मा चिकन पुलाव बना रही है, तो फातिमा अहमद बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ना माशाल्लाह। यानी कि चिकन डला हो चाहिए, बच्चे बहुत खुश होते हैं ना।
सफेद चावल तो मैं नहीं बना रही, रेड मिर्च मैंने डाली है। प्यारे बहन भाई, वो मोहम्मद सिंह देखिए रोता जा रहा है, और खाना हमारा जो है माशाल्लाह तैयार हो रहा है बाहर। मैंने सोचा आकर थोड़ी देर कमरे में बैठती हूँ, मेरे सर में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया है। मोहम्मद देखो, वो देखो, वो यहाँ से चूसू बस में कैसे आप देखते हो, चिड़िया होती है यहाँ, कितनी सारी चिड़िया होती है। प्यारे बहन भाइयों जी, अम्मी भी अंदर आ गई है, इनको प्यारे बहन भाइयों जी, पति का डिब्बा है। अम्मी कमरा कैसा लग रहा है तो बताएं, मेरे आगे ने बहुत तारीफ की, आपको भी अम्मी बताएं कि कमरा कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बेटा, बहुत खूबसूरत हो गया माशाल्लाह, सही बात, यकीन नहीं आता था कि इतना हसीन हो जाएगा। हाँ, अम्मी ने मुझे इतनी दुआएं दी, अम्मी कह रही अल्लाह पाक आपको बेटा अपना दे, सही बात है, अल्लाह पाक अपना ही घर दे, फिर अपना घर होगा तो सुकून होगा। सही बात है, दूसरों की जगह है बना लिया है, सही बात है, बना लिया तो इसी वजह से बनाया है, रह रहे थे हम इधर, क्योंकि ये भी सुख है मुझे बहुत बड़ा कि ये दर दरवाजे छत सब कुछ मेरे अपने। हाँ, अपने है, सही बात, मैंने यहीं पर मेरे प्यारे बहन भाई पलाट लेना, ये पत्ती है इसके अंदर पत्ती, यहीं के अपना पलाट ले लो, यहीं पर पलाट लेना इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह हालात हमारे बेहतर करता है मैं किस्तों पर पलाट ले लूंगी, लाख का मरला यहाँ चल रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह पर यकीन है, मैं अपनी मेहनत से इंशाल्लाह घर बना कर दिखाऊंगी, और आप मेरे प्यारे बहन भाइयों अल्लाह ताला से जल्दी मैं अपना घर बनाऊं। प्यारे बहन भाइयों, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं अपना घर बना सकूं। कब तक ऐसे रुलते रहेंगे, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो ऐसे रुल रहे हैं, अल्लाह सबको अपना अपना दिया करे। अच्छा मेरे प्यारे बहन भाई, और खाना बनता रहेगा, मोहम्मद सिंह बहुत तंग कर रहा है, आपसे भी इजाजत चाहते हैं जी, दुआ में याद रखना, बहुत ज्यादा खुश ना करे, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखा करे, अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे बहन, अल्लाह हाफिज बेटा।